बड़ी खबर कानपुर से सामने आई है, जहां विधायक इरफान सोलंकी के आगजनी मामले में आ सकता है बड़ा फैसला। बता दें कि कोर्ट ने इरफान सोलंकी समेत अन्य आरोपियों को किया है तलब। जी हां, बता दें कि इरफान सोलंकी के आगजनी मामले में आज आ सकता है बड़ा फैसला। वहीं बताते चले आपको कि कानपुर के चर्चित इरफान सोलंकी आगजनी मामले में एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में आज बड़ा फैसला आ सकता है। 12 आरोपियों में से विधायक, उनके भाई समेत 5 आरोपियों पर फैसला सुनाया जा सकता है। इरफान पर फैसले को लेकर कानपुर पुलिस ने अलर्ट घोषित किया है। आज से पहले कोर्ट 9 बार तारीख देकर टाल चुकी है फैसला। वहीं इरफान को पेशी पर ले जाने को लेकर 300 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में ड्यूटी लगाई गई है। कानपुर के चौहरी के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। इंसाफ होगा हम लोग का, हम दोनों भाइयों का और हम सब का इंसाफ होगा। काफी तारीखें मिली जी? हाँ, काफी तारीखें मिली। 1.5 साल बच्चों से दूर रहे, अपने सबसे परिवार से दूर रहे, माँ से दूर रहे। तो उम्मीद है कि आज सर हमारा फैसला सुनाएंगे और इंशाल्लाह इंसाफ होगा। जब बेगुनाह है तो पूरी उम्मीद है इंसाफ की, और माननीय न्यायालय से ही पूरी उम्मीद है। न्यायालय के दरवाजे से ही हमको इंसाफ मिलेगा और न्यायालय के दरवाजे से ही हम लोग बाहर जाएंगे। जी कहाँ जाए, मुझे उम्मीद है इसी न्यायालय से मुझे इंसाफ मिलेगा। जब बेगुनाह हम दोनों भाई तो जरूर इंसाफ मिलेगा, अल्लाह की मदद जरूर मिलेगी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंसाफ होगा हमारा। चलिए देखिए, हम लोगों ने सभी जगह विजिट किया है और हमारी पूरी फोर्स लगी है, हमारे बाकी फोर्स हमारी है और हमने इसको कई जगह फोर्स को लगाया है। और उम्मीद करते हैं कि जो सेफ्टी सिक्योरिटी है, हमारे हाई कोर्ट के जो निर्देश है उस पर हम लोग खड़े उतरे और कैंपस को पूरे तरीके से चाकचौबंद किया गया है। फोर्स को मौके पर जाके ब्रीफ किया गया है कि कोई असामाजिक, कोई गैर कानूनी या कोई ऐसा तक बनना सेफ्टी सिक्योरिटी को बाधक है। लगभग 300 से ज़्यादा हमारे टोटल पुलिस फोर्स लगी है, जिसमें कई रैंक के हैं, फ्रॉम कॉन्स्टेबल टू सीपी रैंक के। और हम सभी लोग जो है यहाँ पर सभी को जिम्मेदारी दे दी है, कोई भी आदमी यहाँ पे जाता है बगैर कोर्ट के आदेश या बगैर चेक हुए नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी कुछ अगर करे तो वो उनको हम पकड़ें। नहीं, हम लोग हमेशा किए हैं। 13 जो 14 मार्च को था, देखिए उसमें भी हम लोग हमेशा एहतियात करते हैं। बीच बीच में कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है तो वो नहीं जाती। यहाँ पे जब भी उनका पेशी हुई वो हमेशा इतनी मिली आपको। अलर्टनेस हमारी फर्स्ट डे से लेके आज तक बड़ी है, घटी नहीं।